Hi friends, welcome to my YouTube channel. Once again, welcome all of you to the sports roundup. Daily sports roundup के बारे में जो हम discuss करते हैं, आज फिर से मैं प्रकाश पात्रा आप सभी को मेरे YouTube channel में स्वागत करता हूँ. International cricket से शुरुआत करते हैं. Bangladesh और श्रीलंका का series जो चल रहा था, पहला test draw के साथ समाप्त हुआ था. दूसरा test और उसी मैदान पे दूसरा test शुरू हो चुका है. और इस test में पहले श्रीलंका ने बल्लेबाजी कर रहे हैं. उसी प्रकार दूसरा एक सीरीज चल रहा है जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के बीच में. हरारे स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे की मैदान है हरारे, और जिम्बाब्वे पहले बल्लेबाजी करते हुए एक विकेट भी खो चुका है. ये तो है इंटरनेशनल क्रिकेट का आज का न्यूज. आईपीएल का मुकाबला और कल का जो मुकाबला था, 5 लगातार जीत के साथ पॉइंट टेबल के शीर्ष स्थान पर पहुँच चुका है चेन्नई सुपर किंग्स. चेन्नई सुपर किंग्स जिस प्रकार पिछले साल अपना जो गेम दिखाया था, इस साल पूरी तरीके से जो पुराना सुपर किंग्स चेन्नई सुपर किंग्स जिस प्रकार खेलने के लिए जाने जाती थी, वो यहाँ पे फिर से वापस आते हुए अपनी ट्रैक पे. तो कल का दिवस एक अच्छा मैच रहा था. सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए, अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी किए थे, और उसमें डेविड वार्नर का एक अर्धशतक और मनीष पांडे का भी एक अर्धशतक के बदौलत निर्धारित 20 ओवर में 171 रन बनाए थे. और चेन्नई की ओर से देखा जाए तो बॉलिंग में लुंगी एंगिडी ने 2 विकेट निकाले थे. लेकिन दिल्ली का जो मैदान है, दिल्ली के मैदान में थोड़ा सा स्लो ट्रैक जो कहा जाता है, उसमें ड्यू का भी एक फैक्टर रहता है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एक ग्राउंड है और उत्तर भारत का एक ग्राउंड है नई दिल्ली, आपको पता है. तो ड्यू का कहर जरूर वहाँ पर गिरता है, तो दूसरे बल्लेबाजी करने वाली टीम को आसान रहता है. पर वही हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आ रहा है खास करके ओपनर ऋतुराज गायकवाड़, जो फिर से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अपना ओपनिंग का जिम्मेदारी जो दिया गया था पिछले साल से, वो सही तरीके से निभाते हुए, और जो कि डुप्लेसिस वो भी साथ निभाते हुए पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी निभाते हुए इस मैच को 7 विकेट जीतते हुए शीर्ष स्थान पर पहुँच गया है. और चेन्नई सुपर किंग्स 10 पॉइंट के साथ अभी पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर स्थान पर है. ये तो है कल का मुकाबले के बारे में मैं आपको बताया. और आज का मिड वीक जो डबल हेडर रहता है, मिड वीक डबल हेडर में आज का पहला मैच मुंबई इंडियंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में, और दूसरा मुकाबला जो है डीसी वर्सेस केकेआर के बीच में. यानी कि पहला मुकाबला आज का 3:30 बजे होगा अरुण जेटली स्टेडियम, जो कि पहले फिरोज शाह कोटला के रूप में जाना जाता था, अब अरुण जेटली स्टेडियम के रूप में जाना गया है. तो पहला जो बल्लेबाजी होगा, निश्चित रूप से ये पहला जो मैच होगा, इस पहले मैच में उस प्रकार का ड्यू का कहर नहीं दिखेगा और ये मुकाबला अच्छा रहेगा. और दूसरा जो मुकाबला खेला जा अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में, उस स्टेडियम में आपको पता है किस कदर दिल्ली की टीम 1 रन से हार गई थी RCB के साथ. आज का दो ही मुकाबला काफ़ी मनोरंजक, काफ़ी सनसनीखेज हो सकता है. एनालिसिस की बात करें तो पहला मैच जो खेला जा रहा है मुंबई और राजस्थान के बीच में, 24 मुकाबला हेड टू हेड खेले हैं दोनों टीम, 12 मुंबई जीता है तो 12 राजस्थान ने जीता है. लेकिन स्टैटिस्टिक की बात किया जाए तो 6 में से 5 बार राजस्थान की टीम ने जीता है. तो आज एक अच्छा टक्कर देखने को मिल सकता है मुंबई और राजस्थान के बीच में. राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जितने सारे फॉरेन प्लेयर थे, जितने सारे एब्रोड से प्लेयर थे, ओवरसीज प्लेयर थे, सब धीरे धीरे वापस जा चुके हैं. लेकिन एक उनके लिए एक अच्छी पॉजिटिव बात यह है कि रूसी भंडर लुसैन, जो कि साउथ अफ्रीका के ज्वाइन करेंगे कुछ ही दिनों के बाद राजस्थान रॉयल की टीम के साथ, ये है. और दूसरी बात किया जाए तो मुंबई टीम पूरी तरीके से सेट है. भले 2 मैच पिछला लगातार हारा हो, लेकिन फिर भी मुंबई इंडियंस सबसे बढ़िया टीम माना जाता है, 5 बार का चैंपियन और डिफेंडिंग चैंपियन. तो मुंबई टीम का एक ट्रेंड रहता है कि वो टूर्नामेंट से पहले 4-5 मैच में अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन आखिरी के जो मैच रहता है 7-8 उसमें ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हैं. और वो दौर पहुँच चुका है, अभी 5 मैच खेल चुका है मुंबई, 6ठा मैच आज खेलेगा. और निश्चित रूप से मुंबई के जितने सारे फैंस फॉलोइंग है, उनको उम्मीद है कि आज मुंबई अच्छा एक मैच दिखाने की कोशिश करेगा अपनी फैंस को. और देखा जाए तो बल्लेबाजी में आज क्विंटन डिकक उतना ज़्यादा नहीं चले, तो आज क्विंटन डिकक का बल्ला
कुछ जलवा दिखा सकता है। उसी प्रकार देखा जाए तो पुलाड़ भी बहुत ही जबरदस्त खेलते हैं राजस्थान के खिलाफ। पुलाड़ का भी बल्ला काफ़ी दिनों से खामोश रहा है। पिछले 5 मैच में एक मैच को छोड़ दिया जाए तो कुछ 30-35 रन बनाए थे और उस मैच जीता था मुंबई इंडियंस ने। तो पुलाड़ का चलना, पुलाड़ का बैटिंग चलना निश्चित रूप से काफ़ी अहमियत रखता है मुंबई के लिए। उसी प्रकार राजस्थान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजस्थान यहाँ पे जो कि स्लो पिच है, निश्चित रूप से यहाँ पे जयदेव उनादकट को आग खिला सकता है। और बात करें तो गोपाल वापस आ सकते हैं क्योंकि श्रेयस गोपाल एक अच्छे ऑलराउंडर माने जाते हैं और हमेशा से ही एक की बैटल रहता है श्रेयस गोपाल और क्विंटन डिकॉक के बीच में। इसी प्रकार देखा जाए तो रोहित शर्मा और जयदेव उनादकट के बीच में भी एक बैटल दिख सकता है। और संजू सैमसन की बात करें, राजस्थान की ओर से संजू सैमसन को छोड़ दिया जाए तो कोई उस प्रकार का बल्लेबाजी नहीं किया है। और एक और बैटल आप देख सकते हैं, जसप्रीत बुमराह वर्सेस जोस बटलर। बटलर बहुत ही बढ़िया एक बल्लेबाज है लेकिन उदमखम नहीं दिखा है इस टूर्नामेंट में। तो आज का ये पहला मुकाबला रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। दोपहर 3:30 बजे से ये मुकाबला शुरुआत हो जाएगा। बात करते हैं दूसरा मैच की। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस डीसी के बीच में। और बात करें हेड टू हेड की तो दिल्ली कैपिटल्स ने 11 मुकाबला जीता है तो 14 मुकाबला केकेआर जीता है। कुल मिलाकर 25 मुकाबला जो खेला गया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ हिस्ट्री देखा जाए तो दिल्ली का और पलड़ा भारी है क्योंकि दिल्ली पिछले 6 मैच जो कि केकेआर और डीसी के बीच में खेला गया है उसमें 4 मैच जीता है। तो डीसी अच्छा एक टच में नज़र आ रहा है जो कि पॉइंट टेबल के टॉप 4 टीम में दिल्ली कैपिटल्स अभी भी काबिज है। तो आशा करते हैं आज का ये दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर जो कि पिछला मैच एक विनिंग नोट के साथ आज ये मैच अच्छा खेलेगा। और देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर के बीच में जब भी मैच होता है तो थोड़ा सा एडवांटेज दिल्ली टीम को मिलता है लेकिन इस आईपीएल में कोई भी टीम अपना होम एडवांटेज का फ़ायदा नहीं उठा सकता है। और ये जो मुकाबला खेला जाएगा ये वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम जो कि